नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार के 4 से 5 महीने बचे हैं, जो करना है कर लो। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है। सपा प्रमुख बोले कि सरकार के पास अपना काम गिनाने का कुछ भी नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों और देश के काम की तस्वीरें लगा रखी हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसका खुद ही शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ की रैली में अखिलेश यादव की सरकार पर हमला किया गया था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस पर आरोप पर जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को साल 2017 से पहले का डाटा निकलवा लेना चाहिए या फिर यूपी सरकार को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले वक्त में यूपी से बीजेपी का सफाया होने वाला है। ये सरकार बच्चों को साबुन और शैंपू से नहलवाती है। भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, महंगाई बेरोजगारी के मसले पर बदहाली फैलाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव है। सपा में लगातार कई नेताओं की एंट्री हो रही है। मंगलवार को भी पूर्व सांसद रजवीर सिंह और बसपा नेता शेख सुलेमान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को, जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। दुनिया में जो विकास हुआ है, उनकी तस्वीरें लगा करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी को कि आखिरकार विकास क्या है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है, और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, सॉरी 25 दिसंबर 2019 मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास कराया गया था मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो जगह भी ली गई थी उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो वही जो समाजवादी सरकार में चक गजरिया सिटी डेवलप हो रही थी, उसी जगह में मेडिकल की एक दूसरी जगह को कैंसिल कर करके अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जगह छीनी गई थी। आज कितना समय गुजर गया है,
आज कितना समय गुजर गया, सरकार आज भी उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं चल रही है तो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर, जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा निकालने से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य है। सरकार को प्रेरणा राम राज्य से लेनी चाहिए, राम के सहारे सबका बेड़ा पार होता है। सिसोदिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी की राम नीति को सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व कुछ भी कहा जा सकता है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि यूपी में उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सौभाग्य से भगवान राम का दर्शन करने के बाद संतों से मुलाकात हुई, संतों ने विजय भव का आशीर्वाद दिया। यूपी में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ जाएगी और हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। हम यूपी में राम राज्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं। भगवान राम की कृपा से हम दिल्ली में अच्छी सरकार चला रहे हैं। राम के नाम पर सरकार चलाने वाले क्या करते हैं ये सब जानते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। सिसोदिया ने कहा कि आज हम तिरंगा लेकर अयोध्या की सड़कों पर जाएंगे। इसका मकसद है कि आजादी के 75 साल बाद हम तिरंगा देखकर ये संकल्प लें कि हम हर नागरिक के लिए बेहतर सुविधा और व्यवस्था कर पाए। यूपी की जनता ने 2017 में योगी सरकार बनवाई, तब बीजेपी ने गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आय दोगुनी करनी, बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वादा किया था, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ राम बोलने से काम नहीं चलता ना। अगर आप राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया था तो दरिंदों के साथ क्यों खड़े हुए? ये कैसी राम भक्ति है भारतीय जनता पार्टी की? मैं भी राम भक्त हूँ और वो भी राम भक्त हैं, बताइए दरिंदों के साथ कौन खड़ा है? मैं भी राम भक्त हूँ और वो भी राम भक्त हैं, बताइए बच्चों के लिए स्कूल कौन बनाएगा? मैं भी राम भक्त हूँ और वो भी राम भक्त हैं, बताइए लोगों के लिए अस्पताल कौन बनाएगा? सब ले राम का नाम, लेकिन उसके साथ साथ फिर स्कूलों की बात करें ना, स्कूलों का पैसा करें, स्कूलों में बस्ते के नाम पर, खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए खाएंगे और बात राम की करेंगे? शर्म नहीं आती इनको राम का नाम लेते हुए? दिल्ली में जो सरकार चली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी की रोजाना की जिंदगी जरूरतों की राजनीति कर रहे हैं, उसकी शिक्षा, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके परिवार के इलाज के लिए, उसके घर के बिजली बिल के लिए, उसके पानी के लिए, रोजगार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं, बिहार के लोग भी ये चाहते हैं, हर जगह के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। लोग अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आती थी। कई लोग पत्रकार पूछते हैं, अभी हो सकता है आप में से कोई पूछता भी हो, तो बहुत जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। अब शिक्षा की बात करेंगे, अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, आइए उस पर राजनीति करते हैं। बताइए कहाँ स्कूल बनवाए, कौन से ने बनवाए, उससे बात करेंगे। लोगों का विकल्प नहीं था, आज लोगों के पास विकल्प है, जनता तोड़ेगी। सारे संबंधों में जितने फैसले दिए अभी तक वो सभी को बहुत अच्छे से स्वीकार रहे हैं और कोर्ट को भरोसा करना चाहिए। देखिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो उनकी पार्टी का डिसीजन है। हमें जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, हमें जनता के बीच में जो चीजें रखनी है कि भाई 4.5 साल में जिस पार्टी ने केवल गुंडा राज, शिक्षा के नाम पे चोरी, अस्पताल के नाम पे चोरी, इन सब के अलावा कुछ नहीं किया, जनता उसको भी देखती है। गुंडाराज के साथ खड़ी सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भगवान राम का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद हमें मिला है। हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हर एक उत्तर प्रदेश वासी को अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, किसानों को अच्छी जिंदगी, महिलाओं को सुरक्षा, इसके संकल्प के साथ में ये यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर विरोधियों का पलटवार जारी है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाते। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, कैसा तुष्टिकरण है, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बाबा की सरकार को
16,207 लाख रुपए मिले, बाबा ने सिर्फ 1602 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने आगे कहा कि 2017 से 18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा के बहाने किसके वोटों का तुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ यूपी से हैं। ओवीसी ने आगे यही नहीं ठहरे, वो आगे बोलते हुए नजर आए कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में करीब ऐसे सब्सटेंसर की कमी है जो कि लगातार पीएससी बनती जा रही है, और पीएससी की भी कमी लगातार बढ़ती जा रही है, सीएससी की भी कमी है। केंद्र सरकार के मुताबिक बाबा राज में यूपी के पीएससी में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं, कुल 2,277 डॉक्टर्स की कमी है। अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। चलिए, ये तो हो गई राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप की बात, अब जरा जनता के मन में किस तरह की बातें आ रही हैं, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और किसको सत्ता पर काबिज करने की कवायद जनता कर रही है, ये भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, हर जगह चुनाव पर चर्चा होती है और इस चर्चा में हम पहुंच चुके हैं मेरठ के कुटी चौराहे पर। यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा होता है, तमाम लोग चाय पर चर्चा करते हैं और खास तौर से चुनाव की चर्चा इस वक्त जोर पकड़ रही है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनका क्या मत है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहसिन सैफी है, खड़ोली का रहने वाला हूँ। मोहसिन जी, ये बताइए, चुनाव आ रहा है, आपकी क्या चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो जो है कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस अपने आप में मजबूत पार्टी है और कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है। प्रियंका गांधी हमारी जो हैं वो अच्छे भविष्य में जो है कुछ ना कुछ ला सकती हैं, मेरठ को उज्ज्वल भविष्य दे सकती हैं। अच्छा, ये बताइए 5 सालों में योगी सरकार के कितने विकास कार्य हुए हैं, कैसे हुए नहीं हुए बताइए? विकास कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ, पर यह है कि उन्होंने जो है जो सड़कें वड़के अभी गड्ढा मुक्त नहीं कराई, जो गड्ढे मुक्त हैं वो गड्ढे मुक्ति रही, गड्ढे के गड्ढे रहे सड़कों में, कोई ऐसा विकास कोई खास नहीं हुआ, जो कारोबार थे वो बंद हो चुके हैं। और इसके लिए जो है कांग्रेस अच्छी, आप कांग्रेस के समर्थक हैं या आम आदमी हैं? नहीं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, आम आदमी। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्या सपा बसपा ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई हैं, तो ऐसे में अब भाजपा भी अपना एक स्तर होता है उसका, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का, आप क्या मानते हैं, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए कि सपा बसपा इस तरीके से ब्राह्मणों को साध रही हैं? कांग्रेस पर कोई ऐसा जनाधार तो है नहीं? कांग्रेस पर जनाधार हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस इनसे सबसे अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और जो आज तक विकास करा है कांग्रेस ने ही करा है, और कोई पार्टी आज तक इतना विकास करने के पाई। और ये जो दिखावा है ब्राह्मण को अपने साथ लगाना या इनको किसी और को साथ लगाना, मुस्लिम समाज को साथ लगाना, ये सब एक दिखावा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे आएगी, किस आधार पर आएगी, क्या समीकरण है? समीकरण कांग्रेस का ये है कि अब जो है प्रियंका गांधी आई है, प्रियंका गांधी की अपनी छवि है, पुरानी छवि है, जो बड़े बुजुर्ग हैं और इन्होंने बलिदान भी दिया है, इंदिरा का बलिदान दिया है, राहुल गांधी जी का भी दिया है। कांग्रेस में पहले कोई नेता नहीं था क्या? नहीं, कांग्रेस के ये सब जितने हैं टूट गए, इसमें चले गए, भाजपा में चले गए, कुछ इसमें चले गए, इसलिए कमजोर होते चले गए, और इसका कोई वो नहीं है। कांग्रेस की छवि बनेगी तो ये सारे इसमें आएंगे। मेरे साथ शहर के और जेंटलमैन लोग जुड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? योगेश राणा। राणा जी, मुझे ये बताइए चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है, 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, सपा और भाजपा की दोनों रहे हैं, तो किसने बेहतर काम किया है? भाजपा ने। अच्छा, क्या काम? सभी काम भाजपा ने बहुत बेहतर किए हैं, सड़कों का निर्माण, एंटी करप्शन, जबकि सपा में करप्शन बहुत बड़ा हुआ था, भाजपा के राज में करप्शन बहुत कम है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी आम आदमी को राहत मिलेगी। ये जो हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं ये बहुत ही जटिल हैं। अब आप एक केस देख लीजिए, मैं अपना ही केस बताता हूँ आपको, मेरी ज़मीन है, मेरा उस पर कब्जा था, मेरे भाई साहब ने उस पर कब्जा करने की नीयत से दीवार खड़ी कर दी, और मेरे गांव का प्रधान, मैं सिसौली मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे गांव का प्रधान उनका मित्र है, इस वजह से वो कहते हैं प्रधान मेरा, चौकी मेरी, थाना मेरा, तेरे जो बस की हो तू कर ले। मैं अपनी ज़मीन पर जाता हूँ, मारपीट होती है, ये काम पहले भी होते थे, पर मैं कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई राहत अभी तक मिली नहीं है।
मैं फिर भी मैं कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, योगी जी पे बहुत भरोसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद मुझे आगे राहत मिले। अच्छा, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, कानून बढ़िया हुआ है, क्राइम कम हुआ है, लेकिन ये भी क्राइम है, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना, आपको राहत अब तक नहीं मिली है, तो आप कैसे कह रहे हैं? मैं क्योंकि देखिए इसमें समय लगता है, हमारा जो पुराना सिस्टम चला रहा है कांग्रेस का बनाया हुआ, उस सिस्टम के अनुसार सन 74 में ज़मीनों के छोटी ज़मीनों की दाखिल खारिज नहीं होती थी, आज होती है, लेकिन मेरी जो बहनामा है मेरे पिता ने ली थी वो सन 74 में ली थी और तब छोटी जोत की दाखिल खारिज नहीं होती थी, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि उसकी दाखिल खारिज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़मीन पर कब्जा कब हुआ? 15 महीने पहले। अच्छा, भाजपा सरकार में कब्जा हुआ? हाँ। और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं है? असल में देखिए भ्रष्टाचार तो हमारे अंदर है, मेरा गांव का जो प्रधान है प्रवीण कुमार तोमर, अंदर ही होता है लोगों के, सरकार में नहीं होता, अंदर ही होता है। एक आदमी गड़बड़ करे तो सब सरकार बदनाम तो होती ही है। योगी सरकार में अगर किसी का रेप हो जाए तो सब योगी योगी करते हैं, ऐसे ही अखिलेश में होता था। इंसान के अंदर ही होता है जो भ्रष्टाचार होता है। आप अब कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले मेरी जमीन पर कब्जा हुआ, आपकी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया जब सिस्टम अच्छा है? नहीं, एक्चुअली जमीन पर कब्जा नहीं है, वो प्रयास कर रहा है अभी, है ना, और असल में कानून उसके मतलब जो चौकी वगैरह उसने खरीद रखी है, थाना उसने खरीद रखा है। मैं SSP ऑफिस गया, मैं थाने गया तो थाने में भी मेरी रिपोर्ट लिखी गई, हाँ ये है जो धाराओं मैं लिखवाना चाहता था वो धारा नहीं लिखी गई, परंतु फिर भी मैं योगी जी पर और मोदी जी पर भरोसा करता हूँ क्योंकि पहले से बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले तो थाने और चौकी से मार के भगा दिया जाता था। अच्छा, अब मुझे बताइए, सपा और बसपा ब्राह्मणों को साधने में लगी हैं, आपके क्षेत्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? जी भाजपा की, क्योंकि कभी ये हरिजनों को साधती हैं, कभी ब्राह्मणों को साधती हैं, ये तो केवल हमारे हिंदू समाज में फूट डाल रही हैं, और फूट का जो वो होता है ब्रिटिश राज, जो हमारे देश में ब्रिटिश राज रहा वो इसी वजह से रहा क्योंकि हम लोगों में फूट पड़ गई, और ये सारी सरकारें वही काम कर रही हैं, केवल BJP है जो एक सभी को सबका साथ सबका विकास पे काम। आप अभी हिंदू की बात कर रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, अगर आप आदमी को, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया को समान लेते हैं तो आप सबके विकास की बात करते हैं, अगर आप डिफरेंस करते हैं, आप पंडित को अलग करेंगे, हरिजन को अलग करेंगे, फिर उसके अलावा जाट को अलग करेंगे, तो सभी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। अब देखिएगा, आप प्रदेश में CM भी ब्राह्मण है, बाद जानकारी अगर आपने श्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही व्यक्ति थे, लेकिन जब वो PM बने तो वो केवल एक कठपुतली थे सोनिया जी के हाथ की। ये कहना, जितने भी आपके CM और PM होते हैं ना, वो केवल वो ऐसा होता है, उत्तराखंड चले जाइए, 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, है ना, संगठन ने, आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कठपुतली थे, ऐसा तो हम ये कहने लगे उत्तराखंड में भी कठपुतली थे, बदल दिए गए। हाँ नहीं, अब आप देखिए, अगर CM सही काम नहीं करेगा तो उसे बदला जा सकता है, ऐसा कांग्रेस जनता बदले ना, ऐसा कांग्रेस या उसके राज में नहीं हुआ, ना सपा के ना बसपा के। तो आपके हिसाब से भाजपा बेहतर है? भाजपा बेहतर है क्योंकि अगर उसने CM ने ठीक काम नहीं किया तो वो उन्होंने एक ही कार्यकाल में 3 CM बदले। चलिए ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में चुनाव में बताएगा। क्या नाम है आपका, आप बोलेंगे? अच्छा, धन्यवाद। अगर यहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ अगर देखा जाए लोग किससे खुश हैं तो जाहिर तौर पर भाजपा से कहीं ना कहीं लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के अपने अपने लोगों के तर्क हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है, अखिलेश के काम को बेहतर जरूर बता रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देने की बात करते हैं, यानी कि भाजपा को ऊपर रखते हैं। आखिर आने वाले समय में देखना यह भी होगा कि जो लोगों की ओर सोच है किस तरह से डेवलप होती है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में जिस तरफ रुझान लोगों का होगा वो उस तरफ चले जाएंगे, यानी कि वो अपने आप में भाजपा और सपा को ये दर्शा नहीं पा रहे हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी बेहतर है। सपा भी बेहतर बताते हैं, भाजपा भी बेहतर बताते हैं, और कांग्रेस को भी बेहतर बता रहे हैं। बहरहाल देखना होगा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ रोड इंडिया, मेरठ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस बार अगर देखा जाए, पिछले चुनाव की बात अगर की जाए,
तो उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली तक जो है भाजपा ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं, तो ऐसे में देखा जाएगा कि इस बार किसकी सरकार। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार? वैसे व्यवस्था तो ठीक ठाक है सरकार का, लेकिन अब वो जब चुनाव होगा तब बाकी देखा जाएगा कि हाँ कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी नहीं मार रहा है। अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, भाजपा के कार्यकाल से मतलब हम तो संतुष्ट नहीं हैं, बाकी और लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं? जैसे जिसमें विद्यार्थी भी परेशान हैं और आम जनता भी परेशान है, तो इसीलिए विद्यार्थी क्यों परेशान है? वो स्कूल जा नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में। नहीं, कोरोना काल की जो बात है तो कोरोना काल तो किसी भी सरकार में आ सकता था। हाँ वो तो है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जनता परेशान है, काफ़ी लोग परेशान हैं। आपकी बार किसकी सरकार? सरकार किसकी भी हो, दोनों चाहे बीजेपी की हो चाहे सपा की सरकारें हों, दोनों ब्राह्मणवाद को लेकर अपने अपने तर्क रख रही हैं। कोई पिछड़ा नहीं जा रहा है, पिछड़ों का कोई पूछने वाला नहीं है। बसपा इस बार जो है ब्राह्मण वोटरों को जुटाने में लगी हुई, इसके बारे में क्या कहना? वो ब्राह्मणों को जुटाने में लगी है और निचली जातियाँ पिछड़ी जातियाँ कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा ना, उसका कोई पूछने वाला। हाल रोडों की हालत बहुत खस्ता है, आवारा पशु घूम रहे हैं, खेत चल रहे हैं, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। और जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार, ये बताइए। भाजपा के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में किसके शासनकाल में बेहतर काम हुआ है? देखिए, कानून व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर और कोरोना जैसी विपरीत स्थितियों में जो है योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है और हम चाहते हैं कि दोबारा उनको एक बार मौका दिया जाए। तो ये माने कि इस बार जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इस बार किसकी सरकार? बिल्कुल योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, ये उनसे भी जानते हैं। जैसा कि कानून व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, तो मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था को देखा जाए तो किस प्रकार आप देखना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा अगर जनता की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया जाए तो जो अपराध हो रहे हैं ये कुछ कम हो जाएंगे। जैसे आप कुछ अपने राय देना चाहते हैं कि और बेहतर क्या किया जाए जिससे जो है? अब ये तो शासन प्रशासन के हाथ में है, वो कैसे क्या करता है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में अगर बात की जाए तो इस बार किसकी सरकार आपके हिसाब से? सरकार तो उन्हीं की बनेगी, योगी जी की ही सरकार बनेगी। ऐसा क्या कारण है कि माना जा रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लाभार्थियों को लाभ ज़्यादा मिला है। तो क्या लाभ मिला है? जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ अच्छी हुई हैं, किसानों के हित में कुछ कार्य हुए हैं जो अच्छे हुए हैं, और आवास शौचालय ये सब चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से जनता को मिल पाया है। क्या लगता है 2022 के चुनाव में इस बार किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार। साथ की बात में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।